देश तरक्की करता है तो दूसरे अन्य देश जलन में छोटे बड़े अपने आसपास पड़ोसियों को साथ मिलाकर तरक्की करते देश के खिलाफ रणनीति बनाना शुरू कर देते हैं। लगता है नेपाल के साथ भी अब कुछ ऐसा ही हो रहा है। भारत का नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिनों दिन आगे बढ़ना नेपाल के गले से नहीं उतर रहा, या फिर ये चीन की कोई चाल है। इसलिए अब नेपाल भारत के खिलाफ और आक्रामक होता जा रहा है। पहले लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी को लेकर नया नक्शा जारी करना, अब नेपाल के प्रधानमंत्री अपने देश में फैले कोरोना के लिए भी भारत को ही जिम्मेदार ठहराने लगे हैं। 20 मई को दिए अपने भाषण में नेपाल के प्रधानमंत्री के तेवर भारत के खिलाफ काफी तीखे नजर आए। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने संसद को संबोधित करने के दौरान कहा, चीन और इटली की तुलना में भारत का वायरस अधिक घातक लगता है। कोहली ने कहा कि जो लोग अवैध तरीके से भारत से आ रहे हैं वो देश में वायरस फैला रहे हैं। कुछ स्थानीय प्रतिनिधि और पार्टी नेता इसके लिए जिम्मेदार हैं, जो बिना टेस्टिंग के लोगों को भारत से ला रहे हैं। बाहर से बड़ी संख्या में लोगों के आने के कारण कोविड-19 को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल हो गया है। भारतीय वायरस अब चाइनीज और इटालियन की तुलना में काफी घातक दिखता है, इससे बहुत अधिक लोग संक्रमित हो रहे हैं। आपको बता दें कि ओली का ये रवैया भारत के प्रति ऐसा होने के पीछे वजह वो सड़क है जो धारचूला से लिपुलेख के बीच जा रही है। अभी हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कैलाश मानसरोवर जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए सड़क का उद्घाटन किया था। नेपाल के मुताबिक ये सड़क नेपाल से होकर गुजर रही है। मंगलवार को दिए अपने बयान में ओली ने इस बात पर जोर दिया था कि लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा नेपाल के हैं। इन क्षेत्रों को भारत से राजनीतिक और कूटनीतिक प्रयासों से वापस लेने की प्रतिबद्धता भी जताई थी। प्रधानमंत्री ओली की अध्यक्षता में उनके मंत्रिमंडल ने एक नया राजनीतिक मानचित्र मंजूर किया है, जिसमें लिपुलेख, कालापानी, लिम्पियाधुरा को नेपाल के क्षेत्र के रूप में दिखाया गया है। केपी ओली ने कहा था कि एक क्षेत्र नेपाल के है, लेकिन भारत ने वहां अपनी सेना रखकर उन्हें एक विवादित क्षेत्र बना दिया है। आपको बता दें कि लिपुलेख दर्रा नेपाल और भारत के बीच की विवादित सीमा है। ये कालापानी के पास एक दूरस्थ पश्चिमी स्थान है। दोनों ही देश कालापानी को अपनी सीमा का अभिन्न हिस्सा बताते हैं। भारत उसे उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले का हिस्सा बताता है, वहीं नेपाल इसे धारचूला जिले का हिस्सा बताता है। लेकिन नेपाल का भारत के लिए आक्रामक रूप किसी अच्छी दिशा में जाता हुआ दिखाई नहीं देता।